रेस्क्यू ऑपरेशन का 15 दिन से फंसे हुए हैं 41 मजदूर इस टनल के भीतर, जिनको निकालने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। तरह तरह के प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन 15 दिन गुजर चुके हैं और आज की तारीख तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। हालांकि लगातार ये जरूर जानकारी मिल रही है कि ये जो तमाम मजदूर हैं पूरी तरह सुरक्षित हैं, उन तक खाना पानी सारी चीजें पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी पिछले 15 दिनों से वो इस टनल के भीतर फंसे हुए हैं। और अब जो जिस बात का जिक्र हो रहा है, एक जो बड़ा अपडेट वो ये है कि यहाँ पर सेना के जवानों की निगरानी में चलाया जाएगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन को, आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम है जिसको लेकर के अब पूरा फोकस शिफ्ट हो रहा है कि मैनुअल ड्रिलिंग, जिसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन सबसे सुरक्षित तरीका आज की तारीख में अब उसी को बताया जा रहा है। तो मैनुअल ड्रिलिंग जो की जाएगी वो सेना के जवानों की निगरानी में की जाएगी। और देखिए यहाँ पर आपको जो है सेना के जवानों का जो कुछ जवान नजर आ रहे हैं और जो इक्विपमेंट है ये सेना के जवान अपने साथ लेकर के आए हैं, और फिलहाल अब उसको उतार करके टनल के भीतर ले जाने की तैयारी चल रही है। ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि लगातार कहा यह जा रहा है कि ऑगर मशीन तो जो सबसे बड़ी एक उम्मीद थी वो उम्मीद तो टूट चुकी है, लेकिन अब मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी और मैनुअल ड्रिलिंग करेंगे तो सिविलियंस, लेकिन जो उनको सुपरवाइज करेंगे वो सेना के जवान करेंगे। वो अपने साथ में कुछ इक्विपमेंट्स लेकर के आए हैं और लगातार अब वो जो इक्विपमेंट अपने साथ में लेकर के आए हैं अब उसको ये टनल के अंदर ले जाने की तैयारी चल रही है। तो इस वक्त के लिए 15वें दिन जो एक बड़ी तस्वीर है वो ये है कि ऑपरेशन धीरे धीरे जो है अब अपना उसका जो है स्वरूप बदला जा रहा है, या ये कहा जाए रणनीति में बदलाव किया जा रहा है, और कोशिश ये है कि धीरे ही सही लेकिन हम उन जो है जो मजदूरों तक पहुंच सकें। और इसी वजह से अब सेना के जवानों की निगरानी के में किया जाएगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा, और उसकी तस्वीरें अब यहाँ पर नजर आने लगी हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, सिलक्यारा टनल से।